अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी अपनी अनुष्य अपने आज के व्लॉग के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं हलवा बनाने लगी हूँ, थोड़ा सा हलवा बनाते हैं। खड्डी हलवा बनाऊंगी। एक तो सूजी भून के बनाया जाता है, वो वाला इतना ख़ास कभी नहीं पकाया मैंने, इतना पसंद नहीं है। खड्डी हलवा ज़्यादा अच्छा होता है, मज़े का होता है, मतलब ज़्यादा यम्मी होता है। तो इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप अभी तक कुकिंग एक्सपर्ट नहीं बने, आप नई नई कुकिंग आपने शुरू की है और आप सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ आप हलवा बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये 1.5 कप मैंने सूजी ली है। और आमतौर पे मीठा बनाते हुए सूजी जितनी होती है उतनी ही हलवे में चीनी डाली जाती है, क्योंकि तेज़ मीठा लोग पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि हम कम मीठा खाते हैं तो मैंने कम डाली है। ये तकरीबन 1 कप चीनी है। और ये कुछ नट्स हैं हलवे में डालने के लिए, और थोड़ा सा पानी, और हमें एक कढ़ाई चाहिए। थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने इसमें, तकरीबन 1/4 कप ऑयल। तो अब हम शुरू करते हैं। शाम का वक्त है और इस वक्त देखें गैस कितनी कम हो गई। अब अल्लाह करे कि हलवा बन जाए। वैसे तो मुतबादल इंतज़ाम भी है, अगर यहाँ ना बन सका तो फिर मुझे उस दूसरे किचन में जाना पड़ेगा। सर्दियों के लिए एक आर्जी तौर पे नया किचन भी सेट किया है। सर्दियों में जब गैस नहीं होती तो उसके लिए फिर सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो फिर मैंने बाहर एक छोटा सा बना के किचन, क्योंकि वो गैस पांच दफ़ा बर्तन काले कर देती है, और सिर्फ बर्तन ही नहीं, उसका इतना स्याह धुआँ होता है कि वो कमरे को भी काला करता है। तो वो फिर मैं इस किचन में नहीं करती, वो मैं बाहर मैंने रखे हुए हैं, सेट किए हुए हैं एक छोटा सा कमरा बना के। ऑयल हमने चढ़ा दिया है और वो थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है। अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा पानी भी। नट्स को हम पानी में भिगो देते हैं ताकि अच्छे से साफ भी हो जाए और धुल जाए। सूजी को हम भिगो देते हैं, ये थोड़ी देर भीगी रहेगी। सूजी हमने भिगो दी है और इसे धोना नहीं होता, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा छान लें, लेकिन फिर जिस पानी में आप इसे भिगोएंगे कुछ देर भीगी रहे, और उसके बाद आप उस पानी समेत आप इसे जो चाशनी बनाएंगे उसमें डाल देंगे। अगर आप हलवे का कलर गहरा करना चाहते हैं तो आपको चाशनी ज़्यादा देर तक पकानी होगी। ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो उसका पानी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा और इसका कलर गहरा होने लगेगा, सुर्ख होने लगेगा। चाशनी हमारी बन चुकी है और अब हम उसमें ये भीगी हुई सूजी डालेंगे। देखिए अब इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये आस्ता आस्ता पक रहा है। अच्छा, चाशनी बनाते हुए अगर थोड़ी ज़्यादा देर आप उसे पका लें तो चीनी की गुठलियाँ बन जाती हैं, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो बाद में जब आप सूजी डालते हैं अच्छी तरह चम्मच हिलाते हैं तो वो मिक्स हो जाती है, घुलने लगती है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी इसमें हैं लेकिन ये अच्छी तरह घुल जाएंगी, ये ख़त्म हो जाती हैं जैसे जैसे हलवा पकता है। हलवा हमारा काफ़ी हद तक बन गया है और देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया। पहले इसमें बिल्कुल ऑयल नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अब इसने
ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें साथ साथ नट्स भी डाल देते हैं। आप सिर्फ मेवा और खोपरा भी डाल सकते हैं, आमतौर पे वही डाला जाता है, लेकिन अगर घर में और चीज़ें हैं तो डाल लें। ये तो वही बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये नॉन स्टिक बर्तन आज स्पेशली मैंने वीडियो बनाने के लिए निकाले। ये मेरे जहेज के बर्तन हैं जो अभी तक वैसे ही पड़े हुए थे, इस्तेमाल नहीं किए थे, अभी तक सासू माँ वाले बर्तन ही चल रहे थे। अब मैंने कहा मैं इस्तेमाल करेंगे। हलवा हो चुका है तैयार, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी और यकीनन खाने में भी बहुत मज़ेदार है, मैंने चख के देखा है। तो अपनी वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करती हूँ, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपने कभी हलवा नहीं पकाया तो एक दफ़ा इस तरह से पका के ज़रूर चेक करें, देखें आपके कैसा बनता है। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मौजूदात मिलेंगे, कभी कोई कुकिंग की वीडियो आएगी, कभी गार्डनिंग की आएगी, कभी कोई रीडिंग वाली होगी, कभी कोई आउटडोर ट्रैवलिंग की होगी, कभी शॉपिंग की होगी, मुख्तलिफ़ किस्म की। आपके लिए हर रोज़ का व्लॉग एक सरप्राइज़ होगा कि आज अनुषी हमें क्या दिखाएगी। तो मेरे साथ रहिए, देखते रहिए और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।